ये मुंबई से हैं जी, अमृता चंदन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। आप सलामत रहें, जीती रहें। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। वो कहती हैं जी कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ का जिक्र तो आपकी जबान से सुना, लेकिन पाकिस्तान और भारत के अलावा पूरी दुनिया में आज भी मकबूल लता मंगेशकर का आपने कभी जिक्र नहीं किया। क्या आप भी उनकी गायकी पसंद करते हैं? लता जी के भरपूर करियर के हवाले से आप क्या कहें? देखिए अमृता, नूर जहाँ का इसलिए कि उनसे रब्ता रहा हूँ। मैंने चंद एक मूवीज़ के गाने लिखे जो उन्होंने गाए। एक ख़ास तौर पे बहुत पॉपुलर भी हुए, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे बाबा चिश्ती। बल्कि तस्वीर भी है मेरी उनके साथ, बाबा जी के साथ और इनके मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ। वो मैंने कहूँगा अगर आपको दिखा सकें तो। इसलिए उनका अदब, इस आपने सवाल पूछा है तो लता मंगेशकर तो तारीख है, उनका तो स्टेटस देवियों जैसा है। शी इज नॉट ओनली ए पॉपुलर सिंगर। तो आपने कहा ना, उनकी गायकी कौन पसंद नहीं करता, जिसको अल्लाह ने कुव्वत समाअत दी है, जिसमें सुन सकने की रब ने शक्ति रखी है, वो तो बहुत ही आसमानी किस्म की मखलूक हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने मेरे पे बहुत एहसानात हैं, मेरे रब के। मेरी हर ख्वाहिश तकरीबन पूरी हुई, दो तीन ख्वाहिशात जो मेरी नहीं पूरी हो सकी। एक था कि मैं बॉम्बे, मैं ईस्ट पंजाब गया हूँ, मैं दिल्ली से आगरा तक मैंने एक से ज़्यादा बार ईस्ट पंजाब अपने शहरों में, जहाँ से मेरे बुज़ुर्ग हिजरत करके आए थे, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं बॉम्बे जाऊँ। और क्यों जाऊँ? कि मैं दिलीप कुमार साहब और लता जी को मिलना, क्या है, देख सकूँ। नहीं हो सका। तो वो तारीख है, जैसे अरब वर्ल्ड में जो मकाम उम्मे कलसूम का है, या जो ईरानियंस हैं उसमें वो मादाम गोगोश, आप देखें कभी नेट वेट पे। तो इस तरह बरसगीर की तारीख में तो कोई लता मंगेशकर उनसे ना पहले थी ना उनके बाद होंगे। शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की मतलब वो जो लंबी जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। आई एम टू स्मॉल, टू हम्बल अ मैन टू टॉक अबाउट लता मंगेशकर जी। थैंक यू वेरी मच।